guys, welcome and welcome back to my channel. This is Princy Gupta, and if you are new on my channel, then don't forget to like and subscribe my channel. The red button is below. Just click and tap on the red button. Subscribe my channel for more interesting videos. And guys, आज की मेरी ये वाली वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके साथ में एक मेकअप लुक शेयर करने वाली हूँ फॉर मैरी क्रिसमस, क्योंकि मैरी क्रिसमस आ रहा है। एंड गाइज, आप ये वाला मेकअप लुक बहुत ही इजिली एंड बजट फ्रेंडली प्रोडक्ट के साथ में अचीव कर पाओगे। सो गाइज, इफ यू वांट टू नो all these things, so just stay tuned till the end. And now let's begin with the interesting video. So guys, first thing, makeup look create करने के पहले कुछ common steps होती हैं, वो करना होता है, and then makeup look create करते हैं, जिससे कि makeup look काफी flawless and काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग होता है। सो विच इज़ वेरी गुड एंड या सो सबसे पहले गाइस अपने फेस को वॉश करना चाहिए, जो भी आप लाइक फेस वॉश यूज करते हो। फेस वॉश यूज करने से गाइस जितनी भी डर्ट होती है वो सारा के सारा रिमूव हो जाता है एंड स्किन को काफ़ी सॉफ्ट एंड हेल्दी बना देता है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। एंड देन उसके बाद में अगर हम लोग कोई भी मेकअप बेस रेडी करेंगे तो वो काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग होगा, सो काफ़ी अच्छा होगा। एंड अभी आप देख सकते हो मैंने तो अपना फेस वॉश कर लिया है, सो काफ़ी क्लियर है इस टाइम फेस। एंड अभी मैं अपना कैनवास रेडी करने जा रही हूँ, लाइक फेस का जो भी बेस मेकअप होता है मैं वो रेडी करूँगी एंड देन मैं आपको आगे का प्रोसेस बताती हूँ। सो गाइस, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एंड काफ़ी मैं इजी वाला बताने वाली हूँ आपको मेकअप लुक, जो आप इजीली अपने घर में ट्राई कर सकते हैं। सो सबसे पहले हम लोग करेंगे फेस बेस को रेडी। सो उसके लिए मैं पहले अपने फेस को मॉइस्चराइज करूँगी एंड आप कोई भी मॉइस्चराइजर ले सकते हो, लाइक जो भी आप मॉइस्चराइजर यूज करते हैं। सो मैं सबसे पहले अपने फेस को मॉइस्चराइज करूँगी। तो गाइस, आपको फेस मॉइस्चराइजर अप्लाई करना है, जिससे कि जो भी मेकअप बेस हो वो ज़्यादा ऑयली ना हो एंड ज़्यादा लाइक पैची टाइप में ना हो जाए। तो आपको बहुत केयरफुली प्रोडक्ट लेना है। सो मैंने यहाँ पे लाइक थोड़ा सा लिया हुआ है, तो आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। एंड इसे मैं अपने जहाँ पे मेरी ड्राई स्किन है मैं वहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ। तो गाइस, अभी मैंने मॉइस्चराइजर अप्लाई कर लिया है। अभी मैं इसको लाइक 2 to 3 मिनट्स के लिए ऐसे ही छोड़ दूंगी, जिससे कि मॉइस्चराइजर स्किन में अच्छी तरह से पेनिट्रेट हो जाए एंड स्किन को काफ़ी सॉफ्ट कर दे। गाइस, ये मॉइस्चराइजर का जो स्टेप होता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, लाइक इफ़ यू हैव ड्राई स्किन, सो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सो ड्राई स्किन वाले एंड लाइक इफ़ यू हैव लाइक नॉर्मल ऑयली स्किन, सो डोंट स्किप दिस स्टेप। आपको मॉइस्चराइजर अप्लाई करना है अपनी स्किन में, इससे आपकी स्किन काफ़ी सॉफ्ट होती है एंड ये आपके मेकअप लुक को बहुत ज़्यादा फ्लॉलेस बनाता है एंड बिल्कुल भी पैची नहीं रहता है। सो मॉइस्चराइजर वाली स्टेप बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि इससे आपका मेकअप लुक काफ़ी ज़्यादा फ्लॉलेस दिखता है। अभी मैं इसको लाइक 2 to 3 मिनट्स के लिए ऐसे ही छोड़ दूँगी, जिससे कि मॉइस्चराइजर सेट हो जाए। तो अभी 2 to 3 मिनट्स हो गए हैं एंड मेरा मॉइस्चराइजर अच्छी तरह से सेट हो गया है। एंड अब मैं अप्लाई करूँगी एक प्राइमर। एंड गाइस, प्राइमर एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है एक अच्छे मेकअप बेस के लिए, लाइक यू कैन से एक अच्छे मेकअप कैनवास के लिए। सो आपको प्राइमर वाली स्टेप को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। एंड वन थिंग गाइस, अगर आप 5 घंटे से ज़्यादा के लिए मेकअप अप्लाई कर रहे हैं तो आप प्राइमर अप्लाई कर सकते हैं, बट अगर आप 2-3 घंटे के लिए मेकअप अप्लाई कर रहे हैं तो प्लीज़ इसकी प्राइमर, आपको प्राइमर को यूज़ नहीं करना है, क्योंकि गाइस प्राइमर एक सिलिकॉन बेस्ड प्रोडक्ट होता है, विच इज़ एक्चुअली नॉट गुड फॉर आवर स्किन। ये आपकी स्किन को काफ़ी ज़्यादा हार्म पहुंचाता है। सो आपको सिलिकॉन बेस्ड लाइक कोई भी प्राइमर को अप्लाई नहीं करना है। तो मैं आपको प्राइमर की जगह एक प्रोडक्ट सजेस्ट कर रही हूँ, वो आप एज अ प्राइमर अप्लाई कर सकते हो, वो है एलोवेरा जेल। एंड मेरे पास में भी पतंजलि का एलोवेरा जेल है, सो इसीलिए मैं ये यूज़ कर रही हूँ एज अ प्राइमर। एंड गाइस, इसको अप्लाई करने के बाद में आपका मेकअप 2.5 से 3 घंटे तक आपका मेकअप काफ़ी अच्छी तरह से सेट रहता है। सो विच इज़ एक्चुअली वेरी गुड। गाइस, आपको बहुत ही केयरफुली प्रोडक्ट लेना है, तो आपको ओनली यहाँ पे 2 ड्रॉप लेना है इस तरह से। सो हियर यू कैन सी द क्वांटिटी ऑफ दिस एंड जस्ट आपको इस तरीके से अप्लाई कर लेना है अपने टी-जोन एरिया में एंड चीक्स पे। तो गाइस, मैंने अभी प्राइमर अप्लाई कर लिया है एंड अब मैं इसे भी 2-3 मिनट के लिए छोड़ दूंगी, जिससे कि प्राइमर अच्छी तरह से सेट हो जाए। तो गाइस, 2-3 मिनट हो गया है एंड मेरा प्राइमर भी अच्छी तरह से सेट हो गया है एंड अब मैं अपना मेकअप बेस रेडी करूंगी। गाइस, मेकअप बेस के लिए मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ लैक्मे की सीसी क्रीम। एंड ये काफ़ी अच्छी सीसी क्रीम है गाइस, क्योंकि मुझे एक लाइट मेकअप बेस पसंद है, मुझे हैवी मेकअप बेस पसंद नहीं है, क्योंकि मुझे लाइट मेकअप ही करना पसंद है। सो इसीलिए मैं यहाँ पे लैक्मे की सीसी क्रीम यूज कर रही हूँ। ये काफी अच्छी है एंड ये मीडियम कवरेज के साथ में आती है। सो आप अपने अकॉर्डिंग यूज कर सकते हो। अगर आप कोई भी फाउंडेशन यूज करते हैं तो आप कोई भी फाउंडेशन यूज कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हो उसको अच्छी तरह से। या एंड गाइस वन थिंग, मेरी कोई भी स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है। मुझे जो प्रोडक्ट अच्छे लगते हैं, जेन्युइनली मुझे जो प्रोडक्ट अच्छे लगते हैं सो मैं वो आपको बता देती हूँ। या इट इज नॉट माई स्पॉन्सर्ड वीडियो एट ऑल। सो या मैं यहाँ पे ये यूज कर रही हूँ एंड आपको क्वांटिटी बहुत ही ध्यान में रख के लेना है। थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में आपको अप्लाई करना है। सो मैं यहाँ पे बहुत थोड़ा सा ले रही हूँ। हियर यू कैन सी मैंने ओनली यहाँ पे आई थिंक 2 to 3 ड्रॉप्स ही लिए हुए हैं एंड आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। एंड इसको ब्लेंड करने के लिए गाइस मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ ब्यूटी ब्लेंडर। एंड आपको डैम ब्यूटी ब्लेंडर यूज करना है। तो सबसे पहले आपको वाटर में से अच्छी तरह से डिप कर लेना है एंड देन स्क्वीज कर लेना है। सारा का सारा वाटर आपको इससे निकाल देना है। आप देख सकते हैं, हियर यू कैन सी। तो गाइस ब्यूटी ब्लेंडर को भी मैंने अच्छी तरह से स्क्वीज कर लिया है एंड आप देख सकते हैं काफी सॉफ्ट हो गया है। एंड वन थिंग गाइस, अगर विंटर सीजन चल रहा है सो आपको ये थोड़ा सा ल्यूक वार्म वाटर में डिप करना है, इससे ये काफी सॉफ्ट हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे ल्यूक वार्म वाटर में से डैम किया हुआ है एंड अब मैं अप्लाई करूंगी सीसी क्रीम। सो आपको पॉइंटेड फॉर्म में फेस पे अप्लाई कर लेना है इस तरह से। तो मुझे थोड़ा सा यहाँ पे फोरहेड पे थोड़ा सा कम पड़ गया तो मैं यहाँ पे 1 ड्रॉप और ले रही हूँ। सो मेरा जो काम है वो ओनली 4 ड्रॉप में हो चुका है। ये काफी अच्छा है, बहुत ही कम प्रोडक्ट में आपके एक अच्छा फेस मेकअप लुक क्रिएट कर देता है, फेस बेस यू कैन से। या सो हियर यू कैन सी, जस्ट आपको अप्लाई कर लेना है। सीसी क्रीम को भी मैंने अपने डॉटेड फॉर्म में अप्लाई कर लिया है एंड अब मैं इसे ब्लेंड कर लूंगी विद द हेल्प ऑफ डैम ब्यूटी ब्लेंडर। सो गाइस आपको टैप टैप फॉर्म में ही ब्लेंड करना है, आपको रबिंग नहीं करनी है। या सो हियर यू कैन सी मैं कैसे अप्लाई कर रही हूँ। तो जस्ट आपको टैप टैप मोशन में ही अप्लाई कर लेना है। आप देख सकते हैं गाइस ये काफी परफेक्टली मेरा ब्लेंड हो रहा है, जरा भी पैचीनेस नहीं हो रही है। या सो आपको इसी तरीके से पूरा अप्लाई कर लेना है। मैंने सीसी क्रीम को अच्छी तरह से ब्लेंड कर लिया है। आपको अपने ईयर एंड नेक वाला पार्ट बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, तो आपको सभी जगह ब्लेंड कर लेना है। तो मैंने भी सभी जगह अच्छी तरह से ब्लेंड कर लिया है और एकदम इवन टोन लग रही है। सो आपको ऐसे ही ब्लेंड करना है एंड देन इसके बाद में आपको एक पाउडर से इसे पैक कर देना है। जो भी आपने मेकअप बेस में अप्लाई किया हो, लाइक फाउंडेशन में अगर आपने अप्लाई किया है तो आपको फाउंडेशन को भी पैक कर देना है विद द हेल्प ऑफ लाइक पाउडर। सो गाइस मैं यहाँ पे लैक्मे का पाउडर यूज कर रही हूँ, ये काफी अच्छा है। तो आपको ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से ही पूरे के पूरे फेस बेस को पैक कर देना है, जिससे कि बिल्कुल भी पैची ना हो एंड जरा भी क्रैक्स ना आए, क्रीज लाइन्स ना हो। सो गाइस इसी वजह से फेस पाउडर या फिर बेकिंग पाउडर की हेल्प से आप इसे पैक कर सकते हैं। सो मैं यहाँ पे फेस पाउडर अप्लाई कर रही हूँ। मैं बेकिंग पाउडर मैं प्रीफर कम करती हूँ एक्चुअली मैं। तो आपको जस्ट आपको प्रोडक्ट लेना है एंड देन आपको इस तरीके से डैप डैप मोशन में पैक कर देना है सीसी क्रीम को, जिससे कि क्रीज लाइंस ना पड़े। एंड गाइस अभी मैंने अपने फेस बेस को अच्छी तरह से सेट कर लिया है विद द हेल्प ऑफ पाउडर। एनी काइंड ऑफ लाइक आप यूज कर सकते हो फेस पाउडर। या सो अब मैं अपने आईलिड पे कंसीलर अप्लाई करूंगी। सो आप कोई भी कंसीलर अप्लाई कर सकते हो एज अ आई प्राइमर। या सो मैं यहाँ पे कंसीलर अप्लाई कर रही हूँ। आई लिड पे कंसीलर अप्लाई करने से ये आपके आई मेकअप को बहुत फ्लॉलेस बनाता है। आप कोई भी पर्टिकुलर आई प्राइमर भी यूज कर सकते हैं, बट राइट नाउ आई डोंट हैव आई प्राइमर, सो इसलिए मैं कंसीलर अप्लाई कर रही हूँ। And guys, if you have dark circle and some spots on your face, तो guys आप ये वहाँ भी अप्लाई कर सकते हो जहाँ पे आपको लाइक डार्क सर्किल वगैरह है। एंड अब मैं इसे ब्लेंड कर लूंगी विद द हेल्प ऑफ डैम ब्लेंडर। या एंड गाइज अब मैं इसे भी सेट कर लूंगी विद द हेल्प ऑफ सेटिंग पाउडर। सो जस्ट आपको लेना है एंड आपको यहाँ पे टैप टैप कर देना है। तो अभी गाइस आप देख सकते हो कंसीलर भी अच्छी तरह से सेट हो गया है एंड अब मैं अपने लिप्स को मॉइस्चराइज कर लूंगी पहले, देन उसके बाद मैं आगे की स्टेप करूंगी। सो आप कोई भी लिप बाम यूज कर सकते हो, ये मेरी फेवरेट लिप बाम है, सो इसलिए मैं ये यूज कर रही हूँ। जस्ट आपको अप्लाई कर लेना है एंड अब मैं अपना आई लुक क्रिएट करूंगी। सो आप कोई भी आई शेडो पैलेट ले सकते हो। मैं यहाँ पे मॉर्फी का पैलेट यूज कर रही हूँ। सो क्योंकि गाइस ये मेरा मैरी क्रिसमस के लिए मेकअप लुक है, सो मैं यहाँ पे ले रही हूँ सबसे पहले एक ट्रांजेक्शन शेड, वो है मेरा ये लाइट वाला शेड। सो मैं ये वाला शेड ले रही हूँ एंड देन इसको मैं एज अ ट्रांजेक्शन शेड अप्लाई करूंगी। या सो आपको ले लेना है एक ब्लेंडिंग ब्रश में। सो या तो मैं ये वाले शेड को ले रही हूँ। जस्ट आपको ले लेना है एंड आपको टैप टैप कर देना है, जितना भी एक्सेस प्रोडक्ट हो वो सारा का सारा निकल जाए एंड देन आपको अप्लाई कर लेना अपनी क्रीज लाइंस पे। सो हियर यू कैन सी गाइस आप देख सकते हो कितना अच्छा ये अच्छी तरह से मैंने इसे ब्लेंड किया है, जरा भी एक्सेस कलर नहीं है। एंड अब मैं यूज कर रही हूँ मेरा इससे थोड़ा सा डार्क शेड एंड अब मैं नेक्स्ट ये वाला शेड यूज कर रही हूँ। गाइस आप देख सकते हैं, जस्ट आपको लेना है एंड देन आपको टैप टैप कर देना है, जितना भी एक्सेस प्रोडक्ट हो वो निकल जाए एंड इसे भी आपको ब्लेंड कर लेना है बहुत ही केयरफुली। तो गाइस आप देख सकते हैं मैंने इसे ब्लेंड कर लिया है एंड अब मैं इसे एक शेड और डार्क लूंगी। सो वो है मेरा ये वाला शेड। तो आपको इस तरीके से लेना है एंड देन इस तरीके से टैप टैप कर देना है एंड देन आपको यहाँ पे ब्लेंड कर लेना है। सो गाइस आप देख सकते हैं मैंने भी अच्छी तरह से ब्लेंड कर लिया है। ये मेरा एक फाइनल आई लुक है, बट अगर आप थोड़ा सा ग्लिटर प्रीफर करते हैं तो आप यहाँ से एक शेड लाइटर यहाँ पे आप एक ग्लिटर भी अप्लाई कर सकते हैं। सो मैं भी आपको दिखाती हूँ। मैं यहाँ पे ये वाले शेड का ग्लिटर अप्लाई कर रही हूँ। हियर यू कैन सी, जस्ट आपको लेना है एंड आई लिड पे आपको थोड़ा सा अप्लाई कर लेना है। सो गाइस आप देख सकते हैं कितनी अच्छी मेरी आई क्रिएट हुई है एंड सेम मैं इस साइड भी क्रिएट कर लूंगी। अभी मैंने अपना आई लुक क्रिएट कर लिया है एंड अब मैं अपने आईब्रो को फिल करूंगी एंड आईब्रो को फिल करने के लिए मैं जो शेड यूज कर रही हूँ वो मैं आई शेडो पैलेट से ही ले रही हूँ। आप इससे आईब्रो भी फिल कर सकते हो। सो मैं यहाँ पे ले रही हूँ लाइक ये वाला शेड। सो आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं एंड इसी की हेल्प से मैं अपने आईब्रो को फिल कर लूंगी एंड बहुत परफेक्टली फिल होती है गाइस आई शेडो की हेल्प से। तो या तो शेप दे देना है पहले, देन फिल करनी है। सो गाइस आप डिफरेंस देख सकते हैं, मैंने ये वाली आईब्रो को फिल किया है एंड ये वाली को मैंने भी फिल नहीं किया है। तो आप डिफरेंस देख सकते हैं, बहुत डिफरेंस है। तो मैं इसे भी फिल कर लूंगी। तो अब मैंने अपनी आईब्रो को अप्लाई कर लिया है एंड अब मैं अप्लाई करूंगी ब्लश एंड ब्लश आप कोई भी ले सकते हो एंड जस्ट आपको ब्लश लेना है, बहुत थोड़ा सा प्रोडक्ट लेना है। गाइस आपको बहुत केयरफुली अप्लाई करना है क्योंकि कोई भी प्रोडक्ट दोबारा अप्लाई हो जाता है बट निकलता नहीं है। सो मैंने भी इससे प्रोडक्ट निकाल लिया है, एक्सेस जितना भी था, एंड जस्ट आपको अप्लाई कर लेना है। सो मैं यहाँ पे थोड़ा और ले रही हूँ। तो बहुत ही नेचुरल फिनिश आई है, आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा लग रहा है प्लस एंड ऐसे ही मैं इस साइड भी अप्लाई कर लूँगी। तो गाइज मैंने अभी अपना ब्लश भी अप्लाई कर लिया है एंड आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा नेचुरल फिनिश आई हुई है। एंड अगर आप हाइलाइटर प्रीफर करते हो तो आप हाइलाइटर भी लगा सकते हो, बट मैं यहाँ पे हाइलाइटर की स्टेप लाइक स्किप करूँगी। या एंड गाइज अभी मैं अपने सारे के सारे प्रोडक्ट को एक बार सेट कर लूँगी दोबारा से विद द हेल्प ऑफ ब्यूटी ब्लेंडर, जिससे कि जितने भी प्रोडक्ट हैं वो एक नेचुरल फिनिश दें, सारे के सारे प्रोडक्ट आपस में मैशमराइज हो जाएं। या सो हियर यू कैन सी, जस्ट आपको एक बार फिर से इसी तरीके से डैप डैप मोशन में कर लेना है। बस आपको अपना आई मेकअप छोड़ देना है एंड बाकी अपने फेस में डैप डैप मोशन से एक बार फिर से इसको सेट कर देना है। तो गाइस आप देख सकते हैं अभी मैंने अपना मेकअप भी सेट कर लिया है एंड अप्लाई कर रही हूँ लिपस्टिक। एंड आप कोई भी शेड की ले सकते हो बट ये वाला मेरा फेवरेट शेड है सो अभी मैं अप्लाई करूंगी। सो गाइस अभी मैंने लिपस्टिक अप्लाई कर ली है एंड अब मैं हेयर स्टाइल बनाऊंगी। तो गाइज ये था मेरा मेकअप लुक फॉर मैरी क्रिसमस एंड कैसा लगा आपको मेरा ये लुक। सो इफ यू लाइक माई लुक देन डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर दिस इंटरेस्टिंग मेकअप लुक विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड सी ऑन द नेक्स्ट इंटरेस्टिंग मेकअप लुक। नाउ बाय।